नमस्कार दर्शकों, आज हम IVF समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। IVF के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम ये तय करते हैं क्या वाकई IVF की ज़रूरत है। जो इंडिकेशन फॉर IVF हैं वो मैं एक और वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि हाँ IVF होना है और यह पेशेंट IVF के लिए फ़िट है। तो IVF के लिए फ़िट होने के लिए सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड में चेक हो जाता है कि बच्चेदानी या अंडेदानी में कोई ऐसे नुक्स नहीं हैं जिसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होती है तो पहले हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी हो जाती है। सो पहला स्टेप है डिसाइड करना कि IVF करना है या नहीं। दूसरा स्टेप है ये चेक करना कि दूरबीन के ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि बेसिक टेस्ट में हम चेक करते हैं कि क्या ये पेशेंट IVF के लिए फ़िट है या नहीं। उसमें हम खून कितने ग्राम है, शुगर तो नहीं है, किडनी लिवर सब ठीक काम कर रहे हैं, कोई वायरल डिजीज़ तो नहीं है जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और आजकल कोविड के टाइम में हम एक बेसलाइन एक्सरे भी करवा लेते हैं चेक करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ECG भी की जा सकती है अगर पेशेंट कोई हार्ट डिजीज़ कंप्लेन करता है। अगर कोई और मेडिकल डिजीज़ है तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ ऐसा तो नहीं कि वो बेबी नहीं कर सकते या उनका IVF नहीं हो सकता, मगर उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला स्टेप होता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन यानी जो एग हैं उनको बनाने की प्रक्रिया। एग बनाने के लिए हम ज़्यादातर इंजेक्शन्स देते हैं और इंजेक्शन्स डेली लगते हैं। जो प्रोटोकॉल हैं वे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग एगोनिस्ट प्रोटोकॉल करते हैं, ज़्यादा लोग आजकल एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल करते हैं। दो टाइप के टीके दिए जाते हैं, एक ऐसे टीके जिनसे एग बनते हैं और एक ऐसे टीके जिसमें बॉडी में एग फूट ना जाएं उसको रोकने के टीके। तो कुछ टीके शुरू में ऐड हो जाते हैं, कुछ टीके बाद में, बीच बीच में स्कैन होता है। ऐसा 2 से 3 विज़िट जो है वो किया जाता है। 3 विज़िट में पेशेंट बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसमें पेशेंट को 3 बार क्लिनिक में आना पड़ता है, स्कैनिंग होती है और टीके लगते हैं। सबसे पहले फाइल बनती है और फाइल में कंसेंट्स फॉर्म होते हैं। कंसेंट जो हैं वह खुद लेकर चेक करने चाहिए कि हाँ हमारे साथ किन किन बातों के बारे में बता दिया गया है। कुछ आपको समझ में नहीं लग रही तो अपने डॉक्टर को दोबारा मिल के उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। कंसेंट फॉर्म साइल होने पर ID प्रूफ लगते हैं। इंडिया में जो मैरिड कपल्स हैं, जो लीगली मैरिड हैं, उनके ही IVF हो सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप या दूसरे अनमैरिड लोगों के अभी IVF नहीं हम कर सकते, तो इसके बारे में भी ID प्रूफ लगना ज़रूरी होता है। ये गवर्नमेंट की जो हमारी चेकिंग होती है उसमें चेक किया जाता है कि सबके ID प्रूफ लगे हैं, फ़ोटोग्राफ्स लगी हैं, क्या इंडियन रेजिडेंट हैं या बाहर के रहने वाले हैं। जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, मगर जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स होते हैं अगर वो बाहर के सिटीज़न हैं तो उनका साथ में मेडिकल वीज़ा भी ज़रूर होना चाहिए। जब एक बार स्टिमुलेशन हो जाती है तो लास्ट दिन जब डिसाइड होता है कि हाँ अब हमने एग निकालने हैं, तो एक फाइनल इंजेक्शन लगता है जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर जो है उसके टाइम और पिकअप के टाइम के बीच में कोई 35-36 घंटे का फ़र्क होता है। जब पिकअप का टाइम मिल जाता है तो पिकअप मतलब एग कलेक्शन या ओवम कलेक्शन या एग पिकअप, वो पहला दिन होता है जिस दिन प्रोसीजर होता है। अभी तक सिर्फ पेशेंट ऑफिस में आ रहा है, स्कैन करवा रहा है, टीके ले रहा है और चले जा रहा है, मगर पहले दिन दाखिला होता है जिस दिन एग निकाले जाते हैं। उस दिन हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्योंकि हमने आपको बेहोश करना है, आप खाली पेट आएंगे, क्योंकि हमने आपको OT मर लेकर जाना है इसलिए कोई मेकअप, परफ्यूम, नेल पेंट नहीं होना चाहिए। और हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसी दिन हस्बैंड ने भी सैंपल देना है। अगर सैंपल कलेक्ट करने की प्रॉब्लम होती है तो हम पहले ही एक बैकअप के लिए सैंपल फ्रीज कर लेते हैं, नहीं तो सेम डे फ्रेश सैंपल लेते हैं। जिस दिन एग कलेक्शन हो जाती है उस दिन 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें बेहोश करके एग निकाले जाते हैं। एग निकालने के समय कोई दर्द नहीं होती क्योंकि बेहोश किया जाता है। एग निकालने के बाद ज़्यादातर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वह कुछ 1-2 घंटे बेहोशी के असर के बाद अपने घर चले जाता है। एग कलेक्शन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की डेट दे दी जाती है। अगर एग्स ज़्यादा होते हैं तो अगले महीने बुलाया जाता है, या फिर अगर एग्स जो हैं वह ठीक मात्रा में होते हैं तो 5 दिन बाद दोबारा ट्रांसफ़र के लिए बुलाया जाता है। कुछ पेशेंट्स को 2 से 3 दिन बाद भी बुलाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर की प्लानिंग क्या है, कौन सी स्टेज में ट्रांसफ़र करना है।
आप स्टेज पे आए तो जिस दिन एग निकाले उसके अगले से अगले दिन एम्ब्रियोज जो हैं वह 4 सेल के हो जाते हैं, यानी कि 4 सेल स्टेज। उसके अगले दिन वह 8 सेल स्टेज के हो जाते हैं। चौथे दिन मोरूला बन जाता है और 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। हर एक हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है कि हमने एम्ब्रियोज किस स्टेज में ट्रांसफ़र करने हैं और क्या बात हुई हुई है, और इस चीज़ की भी डिस्कशन होती है कि कितने एम्ब्रियो डालने हैं। कुछ पेशेंट बाय चॉइस कहते हैं कि हमें एक ही एम्ब्रियो डलवाना है, हम 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र नहीं करते। ब्लास्टोसिस स्टेज में एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा यह होता है कि कम नंबर में प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 4 सेल 8 सेल में ज़्यादातर पता नहीं चलता कि कौन से एम्ब्रियो चलने वाले हैं और ज़्यादा एम्ब्रियो फ्रीज करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग का जो खर्चा है वह बताया जाता है। तो हमारे सेंटर में ज़्यादातर हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करके ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हम 5 दिन बाद बुलाने के लिए डेट दे देते हैं। 5 दिन बाद आने पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है, आप खा पी के आ सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अंडर एनेस्थीसिया नहीं होता। हमें बाथरूम का प्रेशर या ब्लैडर फुल चाहिए होता है, जिसमें हम पेशेंट का जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो पेट में अल्ट्रासाउंड रखते हैं, नीचे से ट्रांसफ़र करते हैं, और एम्ब्रियोज का नंबर जो है वो पहले डिस्कशन से डिसाइड हो गया होता है या 1 डालने हैं या 2। कुछ पेशेंट हमारे साथ ज़िद करते हैं कि डॉक्टर 3 एम्ब्रियो डाल दीजिए, तो हम 3 एम्ब्रियो बिल्कुल डालने की सलाह नहीं देते, क्योंकि अगर 3 एम्ब्रियो डाल दिए जाएँ तो 3 बच्चे हो जाते हैं और 1 भी बच्चा हाथ नहीं लगता। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ट्विन्स भी नहीं होने चाहिए, ट्विन्स के भी हम नंबर कम करने पे हर वक्त लगे रहते हैं, या हम पेशेंट को समझाते हैं कि 1 टाइम पे 2 बच्चे कमज़ोर होते हैं और 1 टाइम पे 2 बच्चे के होने से जो माँ है उसका लास्ट टाइम तक काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। मैंने पीछे जैसे ट्विन्स की एक वीडियो बनाई थी जिसमें किसी लेडी ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि आप तो डरा रही हैं, तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जब भी डॉक्टर हैं वो जो है पेशेंट को सच बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, मगर डॉक्टर जो है वो साइंस के आधार पे बताता है। डॉक्टर की बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती कि वह किसी पेशेंट को डराए। अब फॉर एग्जांपल हम किसी को पेशेंट ज़िद करे कि 3 एम्ब्रियो डाल दीजिए, हम तो डाल देंगे, मगर अगर हम नहीं डराएंगे तो पेशेंट ज़िद करेंगे और उनकी बात पूरी हो जाएगी। वेयर एज़ अगर हम उनको समझाएंगे कि आपको इसमें इसको डराना नहीं कहते, इसको आने वाली प्रॉब्लम्स जो हम अपने तजुर्बे से देख रहे हैं या जो हम अपने तजुर्बे से समझ रहे हैं वो हम आपको बता सकते हैं, तो आने वाली प्रॉब्लम जो आपने नहीं देखी है वो डॉक्टर आपको दिखा सकता है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको समझाए कि हाँ हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे पेशेंट में ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आप ऐसा ना करें। तो डॉक्टर जो है वो अच्छी अच्छी बातें करे तो अच्छा लगता है, मगर डॉक्टर का काम होता है सच बोलना, और सच जो है वो कुछ लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम सच बताना है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है उसका नंबर पहले ही डिसाइड हो जाता है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके और कुछ इंस्ट्रक्शंस देके हम घर भेज देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह होता है 15 दिन का वेटिंग पीरियड। मींस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 15 दिन के लिए पेशेंट रिजल्ट की वेट करता है। अब ये जो वेटिंग पीरियड है इसमें काफ़ी जैसे पेशेंट्स जो हैं वो पैनिक से में आ जाते हैं, कि हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप अगर ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो आप घर पर मत बैठिए, आप अपने ऑफिस जाइए, अपना पूरा काम करिए, जो भी आप बैठ के काम कर रहे हैं वह कर सकते हैं। हम किसी को भी बेड रेस्ट की सलाह नहीं देते कि जाकर बेड पर चिपक जाइए तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पैनिक होते हैं वो होते हैं जो अपना सब काम का छोड़कर बैठ जाते हैं, वो फ्री होते हैं, उनका माइंड फ्री रहता है और वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। जो लेडीज़ वर्किंग होती हैं उनका काम चलता रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि IVF हुआ है, और इससे जो है उनका जो दिमाग है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है और वो बेफालतू की चीज़ें नहीं सोचती। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो डाइट है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर डाइट जो है उसमें मेन इंस्ट्रक्शंस यही रहती हैं कि अपनी डाइट नॉर्मल रखिए। हमें बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, गार्लिक खा सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, तो हम सभी को समझाते हैं कि जो भी आप डाइट में ले रहे हैं अगर वो मीडियम है, मींस नियंत्रण में है या नॉर्मल मीडियम क्वांटिटीज़ में है, तो वो आपको कोई भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा।
जो भी चीज़ आप एक्सेस में कर रहे हैं, एक्सेस में मीठा भी अच्छा नहीं है, एक्सेस में ऑयल भी अच्छा नहीं है, एक्सेस में कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है, तो अपनी डाइट जो है वो नॉर्मल रखिए। मींस नॉर्मल, जैसे हम सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाते हैं, बीच में एक एक स्नैक लेते हैं, दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है और अपनी डाइट नॉर्मल रखनी है। फाइनली 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, पता लग जाता है पॉजिटिव है या नहीं। अब एक अच्छा IVF सेंटर और एक अच्छे IVF डॉक्टर की देखरेख में सारी चीज़ों का हमें बहुत डिटेल में पता चलता है, क्या हो रहा है, अब क्या होना है, अब क्या होने वाला है, कैसे एम्ब्रियोज बने थे, कैसा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, पेशेंट एम्ब्रियोज देख सकता है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं उससे बहुत ट्रीटमेंट में कॉन्फिडेंस आता है। अगर रिजल्ट नहीं भी आता किसी कारणवश, भगवान ना करे ऐसा हो, तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पता होता है कि मेरा प्रोसेस ठीक हुआ है। अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में रिजल्ट नहीं आया तो मेरे शरीर में या एम्ब्रियोज में कोई दिक्कत हो सकती है, मगर डॉक्टर ने सब बढ़िया किया है। तो ये जो IVF के स्टेप्स हैं, अगर मैं रिवाइज करूं तो सबसे पहले डिसाइड करना कि IVF होना है या नहीं होना है, फिर IVF से पहले कोई हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत तो नहीं है, फिर उसके बाद जो है कंसेंट फॉर्म साइन होना और फाइल बनना, फिर स्टिमुलेशन की प्रक्रिया, टीके लगना, फिर ट्रिगर लगना जो रात का टीका है, फिर एग कलेक्शन जो प्रोसीजर होगा बेहोश करके, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जिसमें बेबीज वापस रख दिए जाएंगे, और फिर 5 दिन बाद जो है जो टाइम होगा जिसमें हम वेट करेंगे, वेटिंग पीरियड आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और फाइनली रिजल्ट का दिन। रिजल्ट के दिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो कोई डिस्कशन नहीं होती, अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम काउंसलिंग करते हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में समझ लिया है कि IVF कैसे होता है, इसमें किसी भी प्रोसेस में पेन नहीं होती, इसमें किसी भी प्रोसेस में कोई बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रोसेस में वर्किंग लेडीज़ को बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ भी लोग जो दूर के एरिया से आते हैं, क्योंकि 4-5 विज़िट में ही कंप्लीट हो जाता है, को कोई बहुत ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी के सारे काम रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोगों को IVF के बारे में डर लगता है, उनके दिमाग में ये निकल जाना चाहिए कि IVF कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या मैसी प्रोसीजर है, ये एक सिंपल प्रोसीजर है और ये बहुत जल्दी ही हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी, और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।